हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो दोस्तों आ चुके हैं आपके लिए एक और न्यू व्लॉग लेकर। तो दोस्तों आज मैं घर पर बिल्कुल अकेला हूं क्योंकि मेरे पापा जी गए हुए हैं गाड़ी लेकर और मेरी मम्मी जी गई हैं नानी के घर पर, क्योंकि मेरी नानी जी की तबीयत थोड़ी सी डाउन है, इसलिए मेरी मम्मी जी मौसी के साथ मेरी नानी के घर पर गई हुई हैं। आज मैं बिल्कुल घर पर अकेला हूँ, इसलिए मैंने व्लॉग शूट करने की सोची, क्योंकि मैं आपके लिए डेली व्लॉग तो ला नहीं सकता हूँ और आप लोग व्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखना। और मैं घर पर बिल्कुल अकेला हूँ और घर के काम करने हैं मुझे, इसलिए मैं यहाँ पर घर पर रह गया और आज स्कूल में नहीं गया। तो दोस्तों अब तक मैंने भैंस को पानी भी नहीं पियाया है और इसलिए मैं भैंस को पानी पिलाने जा रहा हूँ और उसके बाद वो लोग को आगे आगे और कंटिन्यू करेंगे। तो वो लोग को लास्ट तक ज़रूर देखना और आप मेरे साथ बने रहो। तो दोस्तों चलो भैंस को पानी पिलाते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं भैंस को पानी पिलाकर घर पर वापस आ चुका हूँ और अब हम जाने वाले हैं छत पर। और छत पर जाने से पहले मैं कुछ दुकान से चीज़ ले आता हूँ और फिर छत पर चलेंगे। तो दोस्तों फाइनली मैं पैकेट ले आया हूँ और मैंने दुकान पर जाते हुए की वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि हमारे पास में ही एक दुकान थी और वो मेरे ताऊ जी की दुकान है, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। और मेरे ताऊ जी ने मुझको कहा कि स्कूल छोड़ दिया तूने, पढ़ाई नहीं करनी, कल स्कूल में होली हो, इसलिए मैं जल्दी से वहाँ से कुरकुरा लेकर आ गया हूँ। वहाँ पर हमारी सीढ़ी लगी हुई है तो इस सीढ़ी को तो दोस्तों इस सीढ़ी को हमें वहाँ से उठाकर यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों फाइनली मैंने अपनी सीढ़ी सेट कर दी है यहाँ पर कुछ इस प्रकार। यहाँ पर हमने कुछ पटाखे जलाए थे, आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी रॉकेट पड़ी हुई है और यहाँ पर हमारी एक खाट बिछी हुई है। तो दोस्तों छत पर बंदर आ चुके हैं इसलिए हम नीचे जाने वाले हैं। घने बंदर आ गए और तो दोस्तों ये है एक मोबाइल स्टैंड जो मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था और ये मेरे पास 2 से 3 दिनों में आ गया था और मैंने सोची कि मैं इससे यूट्यूब वीडियो बनाकर डालूंगा आपके लिए, पर इससे व्लॉगिंग तो हो नहीं पा रही क्योंकि इससे इसमें फ़ोन डालने के बाद ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेट होता है और हमारे पड़ोस से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं क्योंकि साइड में एक बच्ची आई हुई है और उसे वो थोड़े शोर ज़्यादा करती है, इसलिए आपको थोड़ा शोर ज़्यादा सुनाई देगा। और ये है वो स्टैंड, तो ये स्टैंड तो बहुत बढ़िया है पर ये मेरे काम का नहीं है। आप कुछ बताओ कि मैं इसे व्लॉगिंग के लिए कैसे यूज़ कर सकता हूँ जिससे मेरा फ़ोन हिले भी नहीं और वीडियो में वाइब्रेशन क्रिएट ना हो। आप इस स्टैंड को देख सकते हो, ये मैंने सस्ता मिल रहा था इसलिए मंगा लिया था, ये मुझे 180 रुपये के करीब पड़ा है। अब तो इसकी प्राइस कम से कम 250 रुपये कुछ ऐसी मिलेगी आपको और साइड में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। तो दोस्तों व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है इसलिए व्लॉग को करते हैं यहीं एंड और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।